अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और आज हम जाएंगे जी ग्लास टावर मार्केट और वहाँ से मैं आपके साथ काफ़ी अमेजिंग सी वैरायटी शेयर करूँगी। क्रॉकरी बैग्स, शूज़, कर्टन्स, काफ़ी अच्छी जो है आपको मैं वैरायटी शेयर करवाऊँगी। तब तक तो जो है आप हमारे लास्ट तक ब्लॉग को देखें। और ये जी मैंने साथ साथ प्राइजेस भी मेंशन कर दी हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे जी एसके ब्रांडेड शॉप। इनके पास बैग्स भी होते हैं, इनके पास और बहुत सारी वैरायटी में शूज़ भी होते हैं, फ्लैट हों, हील्स हों, ब्रांडेड इनके पास सारी ही हील्स के ऊपर होती हैं और फ्लैट चप्पल भी सारी ही इनके पास ब्रांडेड होती हैं, कोई ये लोकल नहीं होती। और इनके पास जो डिज़ाइंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक और अच्छे डिज़ाइंस होते हैं। तो इनके मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन कर दिया है, शॉप का नंबर भी मेंशन कर दिया है। ये आप सारे शूज़ की कलेक्शन देख लें। इनके पास जो हील्स थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में भी थी और डिज़ाइन भी नो डाउट बहुत अच्छे थे, जो कि सेलिब्रिटीज़ लेती हैं और जो टिकटॉकर्स के पास होती हैं ये इनके पास ही वो सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी इजीली और बहुत ही अच्छे प्राइजेस में मिल जाएंगी। इनके जो स्टार्टिंग प्राइस है मैं दोबारा बता देती हूँ, 1500 से स्टार्टिंग है और 4000 से तक की ये होगी। अगर आप चाहेंगे तो वो आपको डिस्काउंट भी दे देंगे। और ये जी ब्रांडेड की ये बहुत अच्छी हील्स के ऊपर इन्होंने स्टाइलाइज़ किया है, ये भी बहुत प्यारे जो है हील्स थे, बहुत अच्छे थे, टाइगर प्रिंट के साथ थे, बहुत प्यारे थे। इनके पास बहुत ज़्यादा इन हील्स के ऊपर वैरायटी थी और बहुत अच्छी और यूनिक थी। अगर आप कहीं किसी पार्टी इवेंट में या इवेंट में या पार्टी में पहन के जाएंगे तो लोग आपकी तारीफ ज़रूर करेंगे कि कहाँ से लिया है जी ये शूज़। तो ये बहुत अच्छे जो हैं आपको चप्पल, सैंडल्स, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी और कंफर्टेबल आपको शूज़ भी मिल जाएंगे जो वॉकिंग के लिए होते हैं या जो लोग जॉगिंग करना पसंद करते हैं तो उनके लिए भी आपको कंफर्टेबल यहाँ से आपको इजीली शूज़ वगैरह मिल जाएंगे। और बहुत अच्छे फैंसी आर्टिकल्स भी इनके पास मौजूद थे, मैं आपके साथ आगे शेयर करती रहूँगी सारी वैरायटी इनकी। ये जी फैंसी कलेक्शन है, इनके पास सारी फैंसी कलेक्शन स्टार्ट होगी अभी। तो पहले ये कंफर्टेबल शूज़ हैं, ये सारे इनके पास हील्स में भी थे, विदाउट हील्स भी थे, फ्लैट भी थे और ये बहुत अच्छी फैंसी वैरायटी थी। इसके ऊपर बहुत अच्छी बो बनी हुई थी और इसमें काफ़ी कलर्स आपको मिल जाएंगे, साइजेस भी मिल जाएंगे, कलर्स भी मिल जाएंगे। ये भी फैंसी स्टाइल में थी, ये भी बहुत प्यारी थी। अभी इसका डिज़ाइन मैंने नहीं देखा कहीं और, तो इनके पास ये सारी न्यू डिज़ाइंस हैं। और ज़ारा के इनके पास, ज़ारा ब्रांड के भी इनके पास शूज़ होते हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अभी तो काफ़ी लोगों को पता भी होगा कि ज़ारा के ब्रांड के काफ़ी अच्छी जो है कलेक्शन भी आ रही है और काफ़ी ज़्यादा अभी चल भी रहे हैं ज़ारा के। तो ये सारे ज़ारा के शूज़ हैं, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे पम्प्स हैं और पम्प्स स्टाइल में भी हैं, बो स्टाइल में भी हैं, बहुत अच्छे। इनके पास कलर्स भी नो डाउट बहुत प्यारे कलर्स थे, मुझे तो सारे ही कलर्स अच्छे लग रहे थे। और इस तरह के कलर्स जो होते हैं नियॉन में या पेस्टल में तो बहुत प्यारे लगते हैं, अगर आप किसी मैचिंग के साथ मैचिंग शूज़ लें तो वो आपका एक अलग से लुक देता है, बहुत अच्छे से स्टाइलाइज करता है, आपको ग्रूम दिखाता है, बहुत अच्छा लग रहा होता है ये। तो ये बाकी सारे पम्प्स के स्टाइल भी हैं, इसमें भी काफ़ी कलर्स भी थे, साइज़ भी अवेलेबल हैं, ये देख सकते हैं। उसके बाद जी हम लोग जाएंगे बैग्स की शॉप पर। बैग्स की शॉप पर आपको काफ़ी अच्छी वैरायटी मिलेगी, इनके ये सारे बैग्स ब्रांडेड होते हैं, कोई भी लोकल बैग नहीं होता इनका, सारे ब्रांडेड बैग्स होते हैं। और ये भी एक ही शॉप है, एसके ब्रांड के नाम, एसके ब्रांडेड शॉप का नाम है। जैसे इनके पहले मैंने शूज़ दिखाए, बाद में मैंने ये बैग्स दिखाए, ये एक ही शॉप है। इनके तीन शॉप्स हैं, 55 नंबर, 56 एंड 69 शॉप नंबर है इनका, ये तीनों इनके ही शॉप के नंबर हैं और ये तीनों इनके ही शॉप हैं। तो एक में इन्होंने शूज़ रखे हैं, बैग्स और इस तरह से इनके काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत अच्छे बैग्स थे, मुझे सारे ही बैग्स अच्छे लग रहे थे, आपको भी अच्छे लगेंगे सारे बैग्स। और बहुत ही यूनिक और न्यू डिज़ाइन में सारे ही बैग थे, ये तो पूरे बहुत ही प्यारा, एक बहुत प्यारा लुक दे रहा था इस डिज़ाइन में। इस डिज़ाइन में आपको काफ़ी और भी डिज़ाइन मिलेंगे इस आर्टिकल में। उसके बाद जीजिए ये वाले भी बैग सारे ही इनके ब्रांडेड थे, बहुत अच्छे ब्रांड्स के थे, काफ़ी अच्छी, आपको भी पता होगा गुची हो या लुईस विटाना हो या कोई भी ब्रांड हो, वो वाले बैग सबको लेना बहुत पसंद होता है, चाहे वो पाकिस्तान में हो या आउट ऑफ पाकिस्तान, तो सब ही ब्रांडेड बैग्स लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको वो सारे ब्रांडेड बैग्स इजीली मिल जाएंगे, सारे ब्रांड्स के बैग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, चाहे छोटे बैग्स हों, बड़े बैग्स हों, और सारे ही बैग्स आपको मिलेंगे। ये जी उसका, उस आर्टिकल का ये नेक्स्ट डिज़ाइन, ये भी बहुत प्यारा और क्यूट बैग है, ये भी बहुत अच्छा लगता है, ये भी काफ़ी सेलिब्रिटीज़ या टिकटॉकर्स के पास भी होता है।
तो जी ये बाकी सारे बैग्स हैं, आप देख लें एक दफ़ा, ओवरव्यू कर लें, बहुत अच्छे बैग्स हैं और सारे ही ब्रांड्स के बैग आपको एक ही शॉप पे मिल जाएंगे। ये वाले बैग भी ट्रांसपेरेंट, बहुत अच्छी क्वालिटी इन बैग्स की बहुत अच्छी थी और डिज़ाइन भी बहुत प्यारा डिज़ाइन था, वरना अदरवाइज बाकी मार्केट्स में भी इनके मिलते हैं, वो कॉपीज होती हैं, लेकिन ये ओरिजिनल बैग्स हैं। तो ये इनकी बहुत अच्छी डिज़ाइन के ऊपर इन्होंने ट्रांसपेरेंट बैग बनाया है, बहुत अच्छा ट्रांसपेरेंट बैग लग रहा था और इसमें काफ़ी कलर्स भी थे। बाकी सारे और भी बैग्स हैं, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे बैग्स हैं, सभी बैग सारे अच्छे हैं। और ये वाले एक छोटा सा क्लच था, क्लचेस वाले भी बहुत अच्छे, इनके पास क्लचेस भी थे, सारे ही मैं कहती हूँ सारे बैग्स थे। ये वाले बैग्स जो हैं अभी कुछ टाइम पहले जो है बहुत ज़्यादा टिकटॉकर्स ने भी लिए थे इस तरह के बैग्स, और ये बैग्स जो हैं काफ़ी ट्रेंडिंग में भी आते हैं, तो ये बैग यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ईजिली। और मुझे ये वाले तीन छोटे बैग बहुत प्यारे लगे, और ये इसमें काफ़ी कलर भी थे, ग्रीन भी था, मल्टी भी था और वाइट कलर में भी था, बहुत अच्छे बैग थे। बाकी ये क्लचेस हैं, ये थोड़े हैवी वेट में थे, जो पहले वो हैवी वेट में थे, और ये वाले थोड़े लाइट वेट में थे। ये वाले सारे ही फैंसी हैं, सारे फैंसी बैग्स हैं, बहुत प्यारे फैंसी बैग्स हैं। उसके बाद फिर हम जाएंगे जी कर्टन्स वाली शॉप पर, जहाँ पे आपको कस्टमाइज कर्टन्स भी बन जाएंगे। और ये जी शॉप का नंबर है G120 और सेल नंबर भी मैंने मेंशन कर दिया है। लाइबा इंटीरियर के नाम से ये जी शॉप का नेम है, और ये इनके पास आपको सारी ही वैरायटी मिलेगी कर्टन्स की, बहुत अच्छे प्रिंटेड कर्टन्स भी थे, प्लेन भी थे, वेलवेट के भी थे, एम्बोजिंग भी थे, सारे ही कर्टन, सारी ही वैरायटी आपको इस शॉप पर मिल जाएगी, और ये आपको विद इन 2 to 3 days आपको बना के दे देंगे कर्टन्स। और बहुत अच्छी इनकी स्टिचिंग भी थी कर्टन्स की, और अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो है प्रिंटेड लेना चाहते हैं, प्रिंटेड भी ले सकते हैं और प्लेन भी ले सकते हैं, और अपने घर को इजीली डेकोर कर सकते हैं विद कर्टन्स, और अपनी मर्ज़ी से सारे ही कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ये वाला भी बहुत प्यारा था, नेवी विद गोल्डन के ऊपर बहुत प्यारा प्रिंट हुआ हुआ था, और इनके पास प्रिंटेड भी सारे ही कर्टन्स अवेलेबल थे। तो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी सारे प्रिंटेड के डिज़ाइंस भी, और मैं प्राइजेस भी साथ साथ मेंशन करती जाऊँगी। ये वाले प्रिंट के विंटेज प्रिंट के ऊपर था, बहुत प्यारे विंटेज प्रिंट के थे, और ये वाले भी प्रिंट बहुत प्यारा लग रहा था, इल्यूजन या समथिंग, ये वाला प्रिंट भी बहुत प्यारा था बटरफ्लाई का, उसका कलर भी बहुत अच्छा था, फैब्रिक भी आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। सारी ही वैरायटी आपको यहाँ पे एक ही शॉप पे मिल जाएगी, आपको यहाँ से सोफ़ा भी मिल जाएंगे, सोफ़ा कवर्स भी बना के देंगे ये वाले, और कर्टन्स भी बना के देंगे, और ये बाकी सारे ही कर्टन्स के डिज़ाइंस हैं, आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ करके यहाँ से ऑर्डर देकर विद इन 2 to 3 days बनवा सकते हैं। और बहुत प्यारे प्रिंट हैं इनके पास, हर तरह के प्रिंट हैं, जो हम लोग ऑनलाइन या इंटरनेट पर देख रहे होते हैं उसी तरह के सारे ही प्रिंट इनके पास अवेलेबल थे। और ये जो है आपको 800 पर यार्ड मिलेगा, और उस हिसाब से फिर आपको ये कर्टन के प्राइसेस स्टार्टिंग में बता देती हूँ, 2000 to 3000 के अंदर आपको ये वाले कर्टन्स मिल जाएंगे, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं प्राइसेस, क्योंकि लेंथ वाइज और जो फैब्रिक की होती है सारी क्वालिटी वगैरह, तो वो आगे पीछे उस हिसाब से डिफरेंट प्राइसेस हो सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे क्रॉकरी शॉप पर, और उसी के कर्टन वाले के साथ ही ये क्रॉकरी शॉप थी, A1 होम मार्ट के नाम से, G122 शॉप का नंबर है, और ये जी इनके पास हर तरह की क्रॉकरी यहाँ पे मौजूद थी, हर तरह की इनके पास वैरायटी थी क्रॉकरी में, और बहुत अच्छी क्वालिटी में थी, हर तरह के आपको किचन आइटम्स भी मिल जाएंगे, बाथ के आइटम्स भी मिल जाएंगे, और सारी ही वैरायटी आपको मिल जाएगी यहाँ पे, आपको स्विंग के बॉक्सेस भी मिल जाएंगे, ग्लासेस, कप्स, मग्स, सारी ही चीज़ें, ट्रेज, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं आपके साथ सारी ही इस वीडियो में सारी ही आपको चीज़ें कवर, कोशिश है कि मैं सारी ही कवर करके आपको शेयर करूँ आपके साथ। तो यहाँ पे आपको सारी ही चीज़ें मिलेंगी रिलेटेड टू किचन, रिलेटेड टू बाथ, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
और बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी सबकी। और ये जी बहुत प्यारा हॉटपॉट के स्टाइल में था, ये भी बहुत प्यारा था, मेलामाइन का था। ये 1300 के साथ साथ मैंने प्राइजेस मैंशन कर दी, ये इनके पास दो कलर में थे। तो फर्स्ट ही आप देख सकते हैं मैंने पूरा खोल के दिखाया है कि ये किस तरह से इसके अंदर की फिनिशिंग है, और बाहर की भी फिनिशिंग बहुत अच्छी हुई हुई थी, और इसमें काफ़ी दो कलर थे और भी कलर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये वाला कलर भी बहुत अच्छा कलर था। और जी ये वाला भी मग था, ये भी बहुत अच्छा मग था। अगर आप इसमें चाय भी इसके अंदर रख सकते हैं, पानी भी रख सकते हैं, पानी भी ठंडा रहेगा और चाय जो है वो गर्म ही रहेगी। तो बहुत अच्छा ये कप था, काफ़ी इसमें वैरायटी थी। और बाकी ये सारी ही वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी थी। ये ट्रेस थे छोटे वाले, ये भी ट्रेस बहुत अच्छे थे, और इन ट्रेस में काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइंस भी थे, प्रिंट भी बहुत अच्छे वाले प्रिंट थे, बहुत अच्छे प्रिंट्स थे इनके पास। और ये साथ साथ ही वाला बड़ा क्यूट था कॉर्न वाला, ये भी बहुत अच्छा कॉर्न के ऊपर ये ट्रे था, ये भी बहुत अच्छा था ट्रे बना हुआ। और बाकी हर साइज़ में आपको यहाँ पे ट्रेस भी मिल जाएंगे, प्रिंटेड वाले ट्रेस भी मिल जाएंगे, सारी ही वैरायटी आपको ट्रेस के अंदर मिल जाएगी। उसके बाद जी ये वाली बॉटल्स हैं, इसमें भी आपको सारी ही डिज़ाइंस मिलेंगे बॉटल्स में। प्लेन बॉटल भी मिलेगी, वाटर बॉटल और डिज़ाइन वाले वाटर बॉटल्स भी मिलेंगे। उसके बाद जी हम लोग ये ज्वेलरी बॉक्स देखेंगे, ये ऑनलाइन ज्वेलरी बॉक्स भी मिलता है, और यहाँ पे आपको इस शॉप पर ये आप खुद जाके भी बाय कर सकते हैं ये ज्वेलरी बॉक्स देख के। और भी डिज़ाइन थे इनके पास ज्वेलरी बॉक्स में, ये इसका नेक्स्ट डिज़ाइन है, ये भी बहुत प्यारा डिज़ाइन था, और इसका जो लुक था ना बहुत ही क्यूट था और अच्छा लुक था, और क्वालिटी भी नो डाउट बहुत अच्छी क्वालिटी थी। इसमें आप ज्वेलरी भी रख सकते हैं, मेकअप भी रख सकते हैं, किचन आइटम्स भी रख सकते हैं, आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इसको किस तरह से अपने यूज़ में ला सकते हैं। इस ज्वेलरी ना कि ये सिर्फ ज्वेलरी बॉक्स है, ये आपको ऑल टाइम जो है ये हर तरह की इसमें आप चीज़ें रख सकते हैं। उसके बाद ये जी बात के थे, इसमें हैंड वॉश की भी काफ़ी अच्छी बॉटल्स थी, और उसके साथ में जो भी बात के आइटम्स होते हैं वो सारे ही आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और हर तरह की वैरायटी मिलेगी इस बात में, और बाथ वाले प्रोडक्ट्स में सारी ही चीज़ें मिलेंगी आपको। और ये सादा ये आप बाउल्स भी देख सकते हैं, ये स्विंग बॉक्स है छोटा सा, बहुत क्यूट सा ये स्विंग बॉक्स है, ये आपको एक ही इस स्विंग बॉक्स पे सारी चीज़ें आपको एक ही उसमें आ जाएंगी, स्विंग वाली सारी चीज़ें। और ये जी बाकी उसके सारे डिज़ाइन है, ये भी बहुत अच्छे डिज़ाइन थे। ये 1315 इसकी जो है, 1350 जो है इसकी स्टार्टिंग प्राइस है, और बहुत आगे जिस तरह के जो भी वो स्टाइल होंगे और जिस तरह से वो हैवी वेट या फिर जो भी होगा तो उसके प्राइसेस डिफरेंट होंगे। और ये वाले जो थे ना, ये बहुत अच्छा क्यूट सा गोल सा था ओवल टाइप में, ये भी 750 का था, ये भी हैंड वॉश के उसमें आप यूज़ कर सकती हैं अपने उसमें। और ये वाले भी बहुत प्यारे थे, ये प्लास्टिक का था लेकिन ये लुक जो है वो मिरर का दे रहा था, तो दूर से वो एक मिरर का लुक दे रहा था और बहुत फैंसी लुक दे रहा था। उसके बाद ये सारे ग्लासेस हैं, जार्स हैं, जूस के जार्स हैं, सारे ही आपको यहाँ पे एक ही शॉप में सारी चीज़ें आपको मैं कहती हूँ मिल जाएंगी, और बहुत अच्छी। इसका बहुत लाइट वेट था, ये कॉफ़ी कप था, बहुत प्यारा था, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, वाटर भी रख सकते हैं, टी कॉफ़ी ईच एंड एवरीथिंग। और ये बटर बॉक्स भी थे इनके पास, बहुत अच्छे बटर बॉक्स थे, इसकी प्राइस भी यहाँ पर लिख दी है मैंने, 900 लिखी हुई है इसकी। और ये बाकी जो हैं ये मिरर के ऊपर थे, सारी अच्छी बाउल्स थे और बहुत अच्छी वैरायटी में, और क्वालिटी जो थी ना सबकी, बास्केट्स की या फिर जो भी चीज़ें थी ना इनके पास, बहुत अच्छी वैरायटी में थी और बहुत अच्छी क्वालिटी में थी। और इनके प्राइसेस भी नॉर्मल थे और आपको ये डिस्काउंट भी कर देंगे। ये बाकी छोटे से ये मेकअप वाले बास्केट भी थे, ये भी बहुत अच्छे थे, आप इसमें ईजिली ब्रशेज वगैरह ईच एंड एवरीथिंग पेंसिल सारी चीज़ें आप इस पर रख सकते हैं। यहाँ पे आपको प्लेट्स भी मिलेंगी, डिनर सेट भी मिलेंगे, डिनर सेट के हिसाब से प्लेट्स भी सेट करके ये आपको देंगे, सारी चीज़ें आपको यहाँ मैं कहती हूँ मिल जाएंगी। और ये बहुत छोटा सा क्यूट सा कप है, ये आप किसी भी इसमें किसी भी कोई भी चीज़ इस पे रख के यूज़ कर सकते हैं। और ये वाली ट्रे भी थी, ये मिरर की ट्रे थी इस, और ये हैवी वेट में थी इसलिए इसकी प्राइस जो है 1250 समथिंग थी, ये भी बहुत अच्छी थी। और ये वाले बाकी इनके पास बॉक्सेस नहीं, ये वाले कुछ किचन के आइटम्स थे, ये भी बहुत अच्छे थे, ये 3500 का था, क्योंकि इसमें 4 जो हैं पोर्शंस थे और उसके ऊपर जो है अलग से इन्होंने बॉक्सेस दिए हुए थे, तो उस वजह से इसके प्राइसेस 3500 हैं। और क्वालिटी इसकी नो डाउट बहुत अच्छी थी, बाकी आपको सारी चीज़ें एक ही शॉप पे मिल जाएंगी।
उसके बाद ये हम लोग जाएंगे जी डेकोर वाले आइटम्स की शॉप पर, जहाँ मैंने कार्ड पहले मेंशन कर दिया है, रीत रंग के नाम से शॉप का नाम है ये। और यहाँ पे आपको सारी बर्थडे के रिलेटेड होम और जो भी बर्थडे आइटम्स होते हैं यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे, बलून हो या स्टिकर्स हो या निकाह के हिसाब से सारी चीज़ें हों। ये ब्राइड टू बी का भी हेयर बैंड था, बहुत अच्छा था और ये क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी इसकी। बाकी ये कबूल है प्रिंट्स के जो हैं, केक टॉपर भी आपको मिल जाएंगे, ये केक टॉपर बॉय के भी मिल जाएंगे, गर्ल के भी मिल जाएंगे। यहाँ पे इस शॉप में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। और ये इंगेजमेंट का जो है केक टॉपर है, और ये आपको आप जब यहाँ पे विज़िट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ही शॉप पे सारी ही वैरायटी मिलेगी और बहुत अच्छी जो है क्वालिटी में भी मिलेंगी। और हर तरह के आपको जो भी ऑनलाइन हम बाय करते हैं वो भी आपको सारी ऑनलाइन वाली चीज़ें भी यहाँ पे इस शॉप में आपको मिल जाएंगी। तो ये बाकी कबूल है के सारे पैन हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे और बाकी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी वो आप आगे देख सकते हैं। ये वाले बहुत क्यूट थे, ये भी ऑनलाइन मैंने देखे थे। तो यहाँ पे मुझे इस शॉप पे ये वो सारी चीज़ें देखी जो हम ऑनलाइन इंटरनेट पे देख रहे होते हैं या फिर किसी पेज पर देख रहे होते हैं, तो वो यहाँ पे आपको सारी वही वाली चीज़ें यहाँ पे आपको ईजिली फिज़िकली मिल जाएंगी, खुद जाके आप अपनी मर्ज़ी से बाय कर सकते हैं। हाँ, एक फ्लावर्स भी मिलेंगे आपको यहाँ पे, बीट्स भी मिलेंगी, आप अपनी मर्ज़ी से अगर कोई जो विमेन है या लड़की है, कोई भी जो लेडी है अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रही हैं या करने वाली हैं, तो यहाँ पे आपको सारी वो वाले डेकोर आइटम्स मिलेंगे। आप खुद से यहाँ से बाय करके भी अपनी मर्ज़ी से अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यहाँ से आप डेकोर के आइटम्स लेके उसको आप इजीली जो है खुद भी घर पे बैठ के बना सकते हैं। फ्लावर और इंगेजमेंट की ट्रेस जो होती हैं वो भी आप अपनी मर्ज़ी से जो है लेके बना सकते हैं और घर से अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कैंडल्स भी मिल जाएंगे, गिफ्ट आइटम्स भी मिल जाएंगे। और ये सबसे यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे अगर आप कोई गिफ्ट ले रहे हैं और यहाँ पे जो है अगर आप उसको पैक करवाना चाहते हो तो वो भी आपको ये ईज़िली जो है पैक करके दे देंगे और अच्छी स्टाइल में आपको ये पैक करके देंगे। और बहुत अपनी मर्ज़ी से आप रैपिंग पेपर लें, रिबन्स लें और उसको अकॉर्डिंग टू योर चॉइस खुद ही इसको आप पैक करवा के इजीली गिफ्ट बनवा सकते हैं। और ये वाले भी गॉगल्स बहुत प्यारे थे, लाइटिंग वाले थे, ये बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छे थे गॉगल्स। और ये वाला जी फ़ैन है, ये भी बहुत प्यारा फ़ैन था, ये टेडी बियर से सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। बच्चों के रिलेटेड टॉयज भी मिल जाएंगे, सारी ही वैरायटी आपको एक ही शॉप पे मिलेगी। ये जो वही वाले फ्लावर हैं जो मैं आपको बता रही थी, जो अभी जो है आप उसको खुद से लेके जो है ना कुछ भी बना सकते हैं, क्राउन बना सकते हैं, गिफ्ट आइटम्स को ऊपर लगा सकते हैं। और जी यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी बलून्स की, कैंडल्स की। ये वाले जी बेबी गर्ल और बेबी बॉय के केक टॉपर के आइटम्स भी थे, बहुत अच्छे आइटम्स थे। बलून्स भी आपको हर कलर में मिलेंगे क्योंकि समटाइम्स कुछ शॉप्स पे और कुछ जगहों पे कलर वाले बलून्स नहीं मिलते, तो यहाँ पे आपको कलर्स वाले बलून्स भी मिलेंगे। और जी ये वाले कैंडल्स भी मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे सारी जो है कैंडल्स मिलेंगी, हर डिज़ाइन में आपको कैंडल्स मिलेंगी। और जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और जी क्योंकि व्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा हमारी मेहनत लगती है तो उसको सपोर्ट करें। और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें।